नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जसमीत आहलूवालिया, बेरियाट्रिक एंड एडवांस्ड लैप्रोस्कोपिक सर्जन। और इस वीडियो में हम बात करेंगे बेरियाट्रिक सर्जरी के बारे में मिसकंसेप्शंस, यानी कि जो लोगों के मन में बेरियाट्रिक सर्जरी के बारे में गलत धारणाएं हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले मैं सबसे बड़ी गलत धारणा के बारे में बात करूंगा, जिसके लिए बहुत सारे लोग इस सर्जरी से कतराते हैं, वो है कि क्या ऑपरेशन के बाद डेथ होना बहुत कॉमन है। किसी भी ऑपरेशन में एक परसेंटेज ऑफ डेथ का रिस्क होता है। जैसे आप घर से निकले और डॉक्टर के क्लिनिक तक आए, तो रास्ते में आपका रोड साइड एक्सीडेंट में डेथ होने का भी एक पर्टिकुलर इंसिडेंस या रिस्क रहता है। इसी तरह कोई भी ऑपरेशन हो, चाहे गॉल ब्लैडर का, अपेंडिक्स का, हर्निया का, हर एक ऑपरेशन में एक डेथ होने का बहुत निग्लिजिबल सा चांस रहता है। और बेरियाट्रिक सर्जरी में ये चांस दूसरे ऑपरेशन जैसे कि गॉल ब्लैडर वगैरह के ऑपरेशन के मुकाबले में ऑलमोस्ट सेम है, और कुछ स्टडीज़ में इवन उनसे भी कम है। जैसे कि बेरियाट्रिक सर्जरी में डेटाबेस के हिसाब से 1000 में से एक या उससे कम पेशेंट की डेथ होने की संभावना है, जो कि गॉल ब्लैडर के दूरबीन के ऑपरेशन के बराबर है। इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि रादर देन इस ऑपरेशन से जो डेथ होने का प्रोबेबिलिटी है, इससे बहुत सारे दूसरी बीमारियां ठीक होने की वजह से पेशेंट्स की डेथ होने का चांस कम हो जाता है। जैसे ऑपरेशन के बाद शुगर ठीक होने से शुगर के साथ होने वाली डेथ का खतरा 90% तक कम हो जाता है। मोटापे से बहुत सारे कैंसर जुड़े हुए हैं, उन कैंसर से डेथ होने का खतरा लगभग 60% तक कम हो जाता है। हार्ट डिजीज़ का रिस्क 80% तक कम हो जाता है, और उससे होने वाली डेथ का रिस्क अप टू 50% कम हो जाता है। सो रादर देन कि आप इस चीज़ से डरें कि इस ऑपरेशन से जान का खतरा है, आप ये सोचिए कि अगर आप ऑपरेशन नहीं करवाते तो मोटापे की वजह से बहुत सारी बीमारियों का जो डेथ का खतरा है वो आप पे बरकरार रहेगा। और ऑपरेशन के बाद वज़न लूज़ करने से और उससे जुड़ी हुई बीमारियों से बाहर आने की वजह से आपका डेथ का रिस्क बहुत कम हो जाएगा, और आप अपनी लाइफ में 10 से 15 साल बढ़ा सकते हैं। क्योंकि वो लोग जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, उनके वेट ज़्यादा होने की वजह से बॉडी के हर ऑर्गन पे ओवरलोड रहता है, और साथ में बहुत सारी बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है, जैसे कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ एक्सेट्रा, इवन हाई कोलेस्ट्रॉल, और इन बीमारियों की वजह से उनकी लाइफ 10 से 15 साल तक कम हो जाती है। और अगर आप टाइमली ऑपरेशन करवा लें तो ये लाइफ आप बढ़ा सकते हैं, अपनी लाइफ में 10 से 15 साल तक का इजाफा कर सकते हैं। दूसरा जो बहुत बड़ा मिथ है वो ये है कि लोग समझते हैं कि हमें ऑपरेशन करवा के जो डाइट कम करनी है, उसके अलावा हम सिंपली अपने आप ही अपने मनोशक्ति से ये डाइटिंग कर लें और एक्सरसाइज कर लें, और क्यों ना हम इसी से उतना वेट कम कर लें जितना कि बेरियाट्रिक सर्जरी से हो रहा है। सो ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। बेरियाट्रिक सर्जरी से कम किया हुआ वेट और डाइटिंग से कम किए हुए वेट में बहुत डिफरेंस है। जब भी आप एक्सेसिव डाइटिंग या एक्सरसाइज या दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं तो 5 से 10% तक यूजुअली वेट लॉस होता है। उसके बाद वेट कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और 95% तक लोग इससे ज़्यादा वेट लूज़ नहीं कर पाते। इसके बहुत सारे रीज़न हैं। जैसे जैसे डाइटिंग और एक्सरसाइज से आपका वेट कम होता जाता है, आपके अंदर खाने की इच्छा बढ़ती जाती है, हंगर हॉर्मोन्स बढ़ते जाते हैं, और बेसिक मेटाबॉलिक रेट यानी कि जो हम रेस्ट पे या जिस समय हम काम नहीं कर रहे उस समय जो हमारी बॉडी एनर्जी कंज्यूम कर रही है अपनी एक्टिविटीज़ को करने के लिए, वो बहुत कम कर देती है जब आप डाइटिंग या एक्सरसाइज से वेट लूज़ करते हैं। यानी कि अगर आपने 110 केजी से वेट कम करके 100 केजी पे ले आए तो आपका बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट भी बहुत कम हो जाएगा, और उससे ऊपर वेट लूज़ करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। जबकि बेरियाट्रिक सर्जरी से पहले तो आप जितना एक्सेस वेट है लगभग वो सारा ही लूज़ कर सकते हैं। यानी अगर आपका 110 वेट है और आइडियल वेट 70 है तो आप यूजुअली ज़्यादातर पेशेंट आराम से 70 केजी तक आ सकते हैं। और सेकेंडली, उनका बेसल मेटाबॉलिक रेट उतना कम नहीं होगा। दैट मीन्स कि जब वो अपने नॉर्मल वेट पे आ भी गए तब भी उनका बेसल मेटाबॉलिक रेट लगभग नॉर्मल रहेगा, और वो मेंटेन कर पाएंगे अपने वेट को लंबे समय तक। सो इसलिए जो वेट आप बेरियाट्रिक सर्जरी से लूज़ कर पाएंगे वो दूसरे मेथड से लूज़ नहीं होगा,
अगर आपका BMI बेरियाट्रिक सर्जरी की रेंज में फॉल करता है। अगला जो बड़ा एक और कॉमन मिसकंसेप्शन है कि बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद वेट फिर से दोबारा रीगेन होने लगता है। सच तो ये है कि बेरियाट्रिक सर्जरी से जितना वेट लॉस होगा और किसी भी मेथड से होगा भी नहीं, और वेट रीगेन होने के चांसेस बेरियाट्रिक सर्जरी में ही सबसे कम हैं। बाकी मेथड से वेट यूजुअली जहाँ से आपने स्टार्ट किया है उससे भी बढ़ जाएगा, और इस चीज़ को हम यो फिनोमेना कहते हैं। यानी कि अगर आपने आपका वेट 110 kg है और आपने कम करके 100 kg तक आ गए, नॉर्मल वेट 70 kg है, तो यूजुअली लोग जब भी अपना एफर्ट बंद करते हैं यानी डाइटिंग और एक्सरसाइज से वो बाहर आते हैं, तो अगर 110 इनिशियल बेसलाइन वेट था तो उनमें से बहुत लोगों का वो बढ़कर 112 या उससे भी ज़्यादा हो जाता है। और इस चीज़ को यो फिनोमेना बोलते हैं, जो कि यो एक बच्चों का टॉय है जिसे आप जितनी ज़ोर से नीचे फेंकेंगे उतने ही ज़ोर से वो वापस ऊपर को आएगा। सो ये इसलिए है जो मैंने आपको पहले बताया रीजंस कि डाइटिंग और एक्सरसाइज से हार्मोन्स चेंज होते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होता है और वो आपकी बॉडी को फिर से अपने इनिशियल वेट पे खींच लाता है, बिकॉज बॉडी मानती है कि जो अभी आपका एग्जिस्टिंग वेट है वही नॉर्मल है, और अगर हम उसे डाइटिंग या एक्सरसाइज से कम करने की कोशिश करते हैं तो बॉडी आपको पुल करके वापस उसी वेट पर ले आती है। बेरियाट्रिक और मेटाबॉलिक सर्जरी के बाद अगर वेट रीगेन होता भी है तो ज़्यादातर लोगों में वो जस्ट 5 या 10% तक वेट रीगेन होता है। दैट मीन्स कि अगर आपने 110 से कम करके अपना वेट 70 तक ले आए हैं तो हो सकता है कि उसमें 3-4 kg वेट रीगेन हो जाए, जो कि हम नॉर्मल मानते हैं। लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा किसी का हो रहा है तो यूजुअली वो पेशेंट की अपनी गलती के कारण है। वो हमारी डाइटरी प्रिकॉशंस को फॉलो नहीं कर रहा, यानी कि जो हम खाना बोलते हैं कि जो रूटीन घर में बनने वाला लो फैट खाना है, चपाती और सब्ज़ी, वो छोड़ के वो हाई कैलोरी फूड ले रहे हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा मीठा या मेल्स में अक्सर हार्ड ड्रिंक, अल्कोहल की कंजम्पशन ज़्यादा होने की वजह से, या अगर आपकी पुरानी क्रेविंग्स जैसे आप अगर आइसक्रीम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, मीठी सॉफ्ट ड्रिंक बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, वो सब वापस करने लगेंगे, देन यू मे हैव अ लिटिल मोर वेट रीगेन। बट अगर आप केयरफुल रहेंगे, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल्स को फॉलो करेंगे, जो हम एक रूटीन जो नॉन ओबेज लोगों को भी हेल्दी लाइफस्टाइल के खाने के बारे में समझाते हैं, या जो लोग रूटीनली खाना खा रहे हैं वही सब खाएंगे, हाई कैलोरीज की तरफ नहीं जाएंगे, तो आपका वेट बची हुई लाइफ नॉर्मल ही रहेगा। एक और जो कॉमन मिसकंसेप्शन है वो ये है कि क्या ऑपरेशन के बाद हमारी डाइट बहुत ज़्यादा अलग हो जाएगी, और क्या हमें बहुत ज़्यादा डाइटिंग करनी पड़ेगी या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी अपने वेट को मेंटेन करने के लिए। तो उसका आंसर ये है कि आफ्टर सर्जरी आप उतना खाना खाएंगे जितनी आपको भूख लग रही है, वो डेफिनेटली पहले से कम होगी। लेकिन अगर आप खाना कम भी खाएंगे तब भी उसमें कम खाने से आपका पेट बराबर भरेगा, और आपको कभी ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कि आपने अपने रिक्वायरमेंट से कम खाया है, या आपका खाने का मन है लेकिन आप वेट लूज़ करने के लिए खा नहीं रहे, जैसे कि हम अक्सर डाइटिंग में देखते हैं। सो आफ्टर सर्जरी स्टमक का साइज़ छोटा होने की वजह से डाइट जितनी बॉडी को रिक्वायर्ड है उतनी ही रहेगी, और आपको कभी भी डिप्रिवेशन की फीलिंग नहीं आएगी कि मैं भूख मारकर कम खा रहा हूँ। सेकेंडली, बहुत एक्सेसिव एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं होती। हम रूटीन एक्सरसाइज या वॉकिंग, जो एक हेल्दी इंडिविजुअल को एडवाइस किया जाता है अपना वेट और बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, उसी को एडवाइस करते हैं। अगर आप नॉर्मल खाना और रूटीन एक्टिविटी करते रहें तो उससे भी आपका वेट आफ्टर सर्जरी मेंटेन रहता है। कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रीनियस एक्सरसाइज या जिम करना एसेंशियल नहीं है। इसके अलावा एक मिसकंसेप्शन है कि क्या आफ्टर सर्जरी हम एक्सेसिव वीकनेस फील करेंगे, या भारी काम जैसे हैवी एक्सरसाइज करना, या किसी का अगर रूटीन काम में हैवी वर्क लिफ्टिंग इन्वॉल्व्ड है तो क्या हम वो कर पाएंगे। तो आंसर इसकी रादर पहले से आप बेटर फील करेंगे, आपकी एनर्जी लेवल बेटर होगी, वेट लिफ्टिंग या हैवी एक्टिविटी करने का भी लेवल आपका बढ़ जाएगा क्योंकि आपका वेट कम हो जाएगा। अगर आप सोचें कि अगर किसी को हम अपने साथ 10, 20 या 30 किलो की बोरी लेकर चलने को कहें और उसके बाद वो वेट छोड़ के उसको चलने को कहें, तो जब वो वेट नहीं रहेगा तब वो मच बेटर परफॉर्म कर पाएगा। इसी तरह जैसे जैसे आपका वेट कम होगा आपकी सारी एक्टिविटी लेवल्स बढ़ती जाएंगी,
आप बेटर फील करेंगे, हैवी एक्सरसाइज में आपको सांस भी नहीं फूलेगा और करने की कैपेसिटी भी आपकी पहले से बेटर रहेगी। फिर क्वेश्चन है कि क्या हमारी स्किन में रिंकल्स होंगे या क्या हमारी स्किन लटक जाएगी, क्या पेट नीचे को लटक जाएगा या आर्म्स की स्किन नीचे को हैंग करेगी। तो इसमें भी ज़्यादातर पेशेंट्स की स्किन रिंकलिंग नहीं होती, डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है और आपका वेट कितना ज़्यादा है। यंग पेशेंट्स में और जिनका वेट बहुत ज़्यादा नहीं है उनमें स्किन रादर पहले से बेटर दिखती है, लेकिन अगर वेट बहुत ज़्यादा है यानी BMI 50 प्लस है और पेट बहुत ज़्यादा बाहर को है, साथ में एज ज़्यादा है, तो उन कुछ पेशेंट्स में थोड़ी सी स्किन सैगिंग हो सकती है। और अगर वो बाद में बेरेट्रिक सर्जरी से वेट लूज़ करने के बाद 1.5-2 साल के बाद अपनी स्किन टाइट करवाना चाहें तो इजीली की जा सकती है। अगर आप सर्जरी नहीं करवाते तो इवन दो आपकी स्किन टाइट है लेकिन उसके अंदर बहुत सारी फैट है जो कि रादर ज़्यादा डेंजरस है एज़ कम्पेयर टू कि अगर आफ्टर सर्जरी वो फैट निकलने के बाद स्किन थोड़ी सी लूज़ रह जाती है। तो ज़्यादातर पेशेंट्स में ऐसा नहीं होगा। आप क्लिनिक विज़िट करेंगे तो डॉक्टर्स आपको देख के बता सकते हैं कि आपकी कंडीशन में स्किन लूजनिंग या एब्डोमेन की स्किन में रिंकलिंग होने का चांस है या नहीं। सो इस चीज़ से डरिए नहीं, वेट लॉस की सर्जरी को अपनाइए और अपने नॉर्मल वेट पे आइए। उसके बेनिफिट्स फार फार ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू कि अगर पेट थोड़ा सा लटकता है, जो कि बाद में वी कैन टेक केयर ऑफ इट। लोग ये भी सोचते हैं कि स्किन लूज होने के साथ हमारी एज ज़्यादा दिखने लगेगी, जबकि फैक्ट ये है कि अगर आप पुराने हुए ऑपरेशंस के पेशेंट्स की पिक्चर्स देखें तो आफ्टर सर्जरी वेट लूज़ करने के बाद वो पहले से मच बेटर दिखते हैं। फिर एक ये भी क्वेश्चन है कि क्या आफ्टर सर्जरी हमारे बाल झड़ने लगेंगे हेड के। सो कुछ पेशेंट्स में ये ट्रू है, किसी भी कारण से अगर हम मैसिवली वेट लूज़ करते हैं तो कुछ पेशेंट्स में हेयर फॉल हो सकता है, लेकिन कुछ महीने के बाद ये अपने आप ही हेयर फॉल रुक जाता है और ये दोबारा हेयर्स रीग्रो कर जाते हैं। सो इसमें भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ये एक टेम्प्ररी फिनोमिना है और अगर कुछ बाल झड़ेंगे भी तो वापस रीग्रो कर जाएंगे। ये आपके लिए एक डेटरेंट नहीं होना चाहिए अपना फैसला लेने के लिए फॉर बेरिएट्रिक सर्जरी। फिर कुछ लोग सोचते हैं कि आफ्टर सर्जरी बहुत सारी मेडिसिंस लेनी पड़ेंगी, ये भी कुछ हद तक सही नहीं है। आफ्टर सर्जरी हम विटामिंस, जिसमें रूटीन मल्टीविटामिंस के अलावा कैल्शियम सप्लीमेंट करते हैं, कुछ पेशेंट्स को आयरन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये एक मेडिसिन ना हो के जस्ट एक सप्लीमेंट है, क्योंकि आफ्टर सर्जरी आपका फूड इनटेक पहले से थोड़ा कम हो जाएगा, इसलिए अगर हम सप्लीमेंट नहीं देंगे तो आप में इन विटामिंस की डेफिशिएंसी होने का चांस है। सो इससे डरिए नहीं, जो हम एडवाइस कर रहे हैं वो आपने टैबलेट लेनी है जो बहुत इजी है लेने के लिए, और इससे आपके अंदर कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी, आपकी स्ट्रेंथ बरकरार रहेगी और आपका वेट अच्छा लूज़ होगा। सेकेंडली, अगर आप पहले से मेडिसिन ले रहे हैं जैसे कि डायबिटीज़ की, हाई ब्लड प्रेशर की, तो वो सारी मेडिसिन बंद हो जाएंगी और सिर्फ ये सप्लीमेंट रह जाएंगे जो फिर जो आपकी बॉडी के लिए रादर अच्छा है। फिर लोग पूछते हैं कि क्या बेरिएट्रिक सर्जरी से सिर्फ पेट का वेट कम होगा या पेट का साइज़ कम होगा कि बाकी बॉडी पर भी असर पड़ेगा। सो आंसर इज़ कि इससे आपके बॉडी का जनरलाइज्ड वेट कम होगा, फेस से लेके पैरों तक जहां पर भी फैट एक्सेसिवली डिपॉजिटेड है वो सारी की सारी फैट अपने आप डिजॉल्व होती जाएगी, आपका फेस भी पहले से थिन लगना शुरू होगा, आपके नेक में फ़ैट ज़्यादा है तो उसमें से फ़ैट जाएगी, खराटे आने की प्रॉब्लम्स कम होगी, आपके चेस्ट की फ़ैट कम होगी, आर्म्स पहले से बेटर दिखने लगेंगी, पेट के बाहर के हिस्से की फ़ैट कम होगी, आप स्लिम लगेंगे, साथ ही साथ पेट के अंदर के हिस्से की जो चर्बी है जो ज़्यादा डेंजरस है, जैसे पेट के अंदर ओमेंटम है, किडनी के अराउंड फ़ैट, लीवर के अंदर फ़ैट, पैंक्रियास के अराउंड फ़ैट, वो सारी फ़ैट कम होती जाएगी और जिससे आपकी शुगर, बीपी वगैरह बीमारियां जो हैं उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। आपके निचले हिस्से में जो फैट जमा है, हिप्स में, थाइस में, लेग्स में, वो सारा फैट भी बर्न होता जाएगा। बेरिएट्रिक सर्जरी ना करवा के क्या हम सिंपली एब्डोमिनोप्लास्टी या जिसे हम कॉमन टर्म्स में टमी टक बोलते हैं,
या लाइपोसक्शन जिसमें सिर्फ चर्बी खींच के पेट को थोड़ा पतला किया जाता है, क्या वो करवा लें? वो सस्ता भी है और कुछ लोग सोचते हैं कि वो ज़्यादा सेफ़ है। तो जिन लोगों में बेरियाट्रिक सर्जरी की इंडिकेशन है, यानी BMI जो है वो 32.5 से ज़्यादा है, उनमें अगर हम दूसरे प्रोसीजर्स करते हैं तो वो सक्सेसफुल नहीं है। उनमें बहुत कम वेट लॉस होगा, वेट लॉस सिर्फ पेट के निचले हिस्से में होगा, बाकी बॉडी वैसे ही रहेगी, आपका खाने का सिस्टम वैसे रहेगा, आपकी एब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर वैसे रहेगी। और फर्स्ट ऑफ ऑल वेट लॉस जितना चाहिए उतना नहीं होगा, सेकेंडली आफ्टर सर्जरी बिकॉज आप वैसे ही खाना खा रहे हैं वो वैसे ही एब्जॉर्ब हो रहा है, तो वेट रीगेन के चांसेस बहुत हाई रहेंगे। सो ये दोनों अलग अलग प्रोसीजर्स हैं। जिन पेशेंट्स में बेरियाट्रिक सर्जरी चाहिए उन्हें बेरियाट्रिक ही करवाना चाहिए, जिनमें वेट उतना ज़्यादा नहीं है और जनरलाइज्ड बॉडी अदरवाइज़ ठीक है, सिर्फ एक हिस्से में थोड़ा सा वेट है, वो लोग दूसरे प्रोसीजर्स के लिए जा सकते हैं। फिर लोग डरते हैं कि आफ्टर ऑपरेशन उनको खाने में परहेज़ करना पड़ेगा जो उनके लिए डिफ़िकल्ट होगा। ऐसा नहीं है, ऑपरेशन के इमीडिएट बाद हम पहले कुछ दिनों के लिए लिक्विड डाइट देते हैं और वो उसको बहुत अच्छे से टॉलरेट करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे डिपेंडिंग अपॉन कि हमने कौन सा ऑपरेशन किया, यानी स्लीव गैस्ट्रेक्टमी या बाईपास, उस पर डिपेंड करते हुए हम डाइट को धीरे धीरे सेमी सॉलिड और फिर नॉर्मल डाइट पर ले आते हैं। तो जिस भी आप फेज़ में हैं उसमें आपको जो डाइट प्रिस्क्राइब्ड है वो लेने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपका पेट बराबर भरेगा, जितनी भूख है उतना ही आप लेंगे और आप बड़े आराम से डाइट टॉलरेट करते जाएंगे। कुछ लोग ये भी समझते हैं कि इसके बाद बहुत सारी वॉमिटिंग्स होंगी और डाइट लेने में दिक्कत होगी, तो ऐसा नहीं है। जो डाइट प्रिस्क्राइब्ड है अगर आप वो प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो वॉमिटिंग वगैरह का इंसिडेंस बहुत कम है। वर्किंग लोगों का क्वेश्चन रहता है कि हमें कितनी छुट्टी लेनी पड़ेगी, तो हमारे पास बहुत तरह के पेशेंट्स आते हैं इंडिया से भी और अब्रॉड से भी। सो यूजुअली 10 दिन की छुट्टी इज़ एनफ। आपने आज सर्जरी करवाई, 2 दिन में डिस्चार्ज हो जाएगा और आफ्टर 1 वीक आप हमें आकर दिखा सकते हैं, उसके बाद आप अपनी रूटीन एक्टिविटी रिज्यूम कर सकते हैं। ये दूरबीन से की जाते हैं सारे ऑपरेशन और इनकी रिकवरी बहुत ही क्विक होती है। सेम डे इवनिंग पेशेंट वॉक करना शुरू कर देते हैं, नेक्स्ट डे मॉर्निंग दे फील मच मोर कम्फर्टेबल और वो अपना रूम छोड़ के कॉरिडोर्स में और हॉस्पिटल के आसपास यूजुअली आराम से वॉक करते हैं। फिर लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन है कि ऑपरेशन से इमीडिएटली वेट लॉस नहीं होता, उसको धीरे धीरे कुछ महीने लग जाते हैं। सो वेट लॉस इमीडिएटली अगर होगा तो वो बहुत रिस्की है, वेट लॉस हमेशा ग्रेजुअल होना चाहिए। बेरियाट्रिक सर्जरी से पहले 1 महीने में सबसे ज़्यादा वेट लॉस होगा, उसके बाद पहले 3 महीने में लगभग 40-50% तक वेट लॉस हो जाएगा, और डिपेंडिंग अपॉन आपको कितना वेट लूज़ करना है आप अपना एक्सेस वेट 6 महीने से लेकर 1 साल या 1.5 साल तक लूज़ कर सकते हैं। और अगर ये ग्रेजुअली लूज़ होगा तभी आप हेल्दी रहेंगे। डू नॉट एक्सपेक्ट कि हमने आपको आज सर्जरी की और 2 दिन में आप बिल्कुल नॉर्मल वेट पर आ जाएंगे। सो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है और बड़ा ही सेफ प्रोसेस है। आई होप ये वीडियो देखकर आपके कॉमन क्वेश्चंस का आपको जवाब मिला होगा, आपके मन में जो डर हैं वो कुछ कम हुए होंगे और जो आप फैसला लेना चाह रहे हैं उसमें आपको हेल्प मिली होगी। अगर आपके मन में और कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ हमें मेल कीजिए, गिवन नंबर्स पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू।